15वें वित्त की राशि आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्य और भाजपाई शुक्रवार दोपहर जिला पंचायत के प्रवेश द्वार में ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। सभी ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 12:30 बजे पंचायत सदस्य और भाजपाई नारेबाजी करते हुए जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। रैली के पहुंचते ही नेताओं ने पुलिस द्वारा लगाए स्टापर को धक्का देते हुए कार्यालय के अंदर प्रवेश किया और कार्यालय के प्रवेश द्वार में तालाबंदी कर गेट में ही धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने कांग्रेस और जिला पंचायत सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसडीएम राकेश गोलछा को भाजपाइयों ने ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने निराकरण का आश्वासन दिया। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर, विंद्रावती पांडे, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, प्रदीप चंद्राकर, सुधा साहू सहित अन्य ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर 15वें वित्त की राशि के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने राशि आवंटन में भेदभाव की बात पर कहा कि राशि में की गई कटौती से उनके क्षेत्र का विकास कार्य बाधित हो गया है। केंद्र के जो 15वें वित्त की राशि है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, बंदरबाट आवंटन किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग तालाबंदी किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भेदभाव जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है 1,60,00,000, बाकी उनके सदस्यों को 40,40,00,000 और सिर्फ 3 सदस्यों को 15,15,00,000, चाहे 2020-21 हो, 21-22 में 22-23 तीनों बार भेदभाव किए हैं। गाँव की विकास नहीं हो पा रही है, हर दिन मैं गांव-गांव में पहुंच रही हूं, विकास के मांग हो रही है सरपंचों द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, तो जिसमें मैं पूरा नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मैं 105 गांव से जीत के आई हूं। 20 फरवरी को हम लोग फिर धरना भी दिए थे, जो तत्काल कलेक्टर थे उसने आश्वासन भी दिया था कि बराबर सबको राशि दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, सबको राशि बराबर नहीं दे रहा है, इसमें भेदभाव किए जा रहे हैं। अभी तक लड़ते रहेंगे, जब तक हम लोग न्यायालय जाएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे, पूरा आंदोलन करते रहेंगे। चुनाव तो आता ही जाता रहेगा, आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे और बहुत बड़े आंदोलन करेंगे इससे बड़े। महासमुंद से आशीष गुप्ता, सीजी विजन टीवी।